तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर व्लॉग। सुबह हो गई है, 9 बज गए हैं। सीरज जा रही है स्कूल, बड़ी मुश्किल से उसको उठाया है। मैं तो रात को 3 बजे सोई थी, अंकित 4 सोए हैं। सिया को हमने फिर भी सुला दिया था 12-1 बजे, पर बच्चा है ना, अपने आप उठता है तो ठीक है। तो कह रही है मम्मा छोना है छोना है छोना है, बट लालच दे के टॉफी चॉकलेट ये वो उसको उठाई दिया है। अब रेडी हो गई है लेकिन सामने नहीं आ रही है। चिया कहाँ है सबकी बेबी? हाय, क्यों छुपा हुआ है? गुड मॉर्निंग, चूल जा रहे हो? ये लो बैग, चलो चूल जाओ। जल्दी आओ, बैग टाको फटाफट, जल्दी आओ बेबी, दूध भी पीना है अभी, बॉर्नविटा वाला दूध डाले दादी ने, जल्दी आओ जल्दी। अरे अरे अरे, तो चलो इसको स्कूल छोड़ के आती हूँ, बाकी फिर अपना मम्मी का और अंकित का नाश्ता बना के, लंच बना के फिर अपनी जॉब करना स्टार्ट करेंगे। आ जाओ, आओ पानी भर दूँ बॉटल में, जल्दी आओ, जल्दी आ मेरा बेटा, आ जा। किरत बाय बाय, चची कॉल कर दो दादी को, दादी को मत कहो, दादी को मत देखा था कंधे लाइव स्क्रीन है। अब जो है चलो चलो, लेट हो रहा है। बाय बाय बाय, बोलो चूल जा रही हूँ मैं, चलो। तो मैं देखो सीरत को स्कूल छोड़ के आ चुका हूँ। ये मैडम ना उठती है ना हिलती है ना कुछ करती है, इधर देखियो जरा, इधर देख। तो पागल हो जाते हो सुबह सुबह? सुबह सुबह पागल हो जाते हो? ये काम देखना कैसे, क्या बना रही है? छोले बना रही हूँ और मम्मी जा रही है ब्लड टेस्ट। सुबह सुबह नाश्ता होता है बिल्कुल मक्खन वाला, कुछ ना कुछ अच्छी चीज, छोले सुबह सुबह। अपना पेट देखा है? शर्ट से बाहर निकलने को हो रहा है। तूने अपना पेट देखा है? हाँ ये लो, ये अंदर क्यों कर लिया? तो खाने को पड़ती है, जब देखो सुबह सुबह खाने को पड़ती है। तो अंकित की तो आदत है मुझे कुछ ना कुछ बोलने की, बट मैं सुबह से उठी हुई हूँ, मेरे सारे काम थे अभी तो स्टार्ट भी नहीं हुआ। और सीरत का आने का टाइम हो जाएगा 1.5 घंटे बाद। 1.5 घंटे में सब कुछ खत्म करना है। सीरत को लंच वंच दे के भेज दिया, ये मम्मी का टिफिन पैक कर दिया है। मम्मी स्कूल नहीं जा रही है, एक्चुअली मम्मी जा रही है ब्लड टेस्ट कराने, तो पहले कराना है खाली पेट, फिर 2 घंटे बाद कुछ खा के कराना है। तो मम्मी कह रही है मैं क्या वापस आऊँगी 2 घंटे बाद, तो लंच ही दे दो। तो मैंने मम्मी का लंच पैक कर दिया है, इधर छोले बनने रख दिए हैं, ये देखो इधर छोले बन रहे हैं। बस इसके बाद करूँगी सारी किचन साफ, देखो कितनी गंदी दिख रही होगी अभी, सब गंदा है अभी। किचन साफ करके उसके बाद करूँगी अपने रूम साफ, फिर नहा के फिर जाऊँगी सीरत को लेने, फिर आपको मिलवाऊँगी सीरत से। तो बस अब मेरे सारे काम, अपना ही रिकॉर्ड मैंने खुद तोड़ दिया, सारे काम मेरे खत्म हो गए 1 ही घंटे में। छोले की सब्जी बनाई है, चावल बनाए हैं, बर्तन हो गए, रूम्स भी हो गए, खुद भी नहा ली, नाश्ता नहीं किया था कि लेट हो जाऊंगी सीरत को लेने जाने के लिए, बट अभी देखा तो सिर्फ 11 ही बजे हैं, तो पी लेती हूँ एक कॉफ़ी। मम्मी की भी करा दी है बाइक बुक, मम्मी अभी आ जाएगी, उनकी राइड बुक करा दी है। और हमारे अंकित जी जो हमारे राजा बाबू हैं, राजा बाबू वो अभी सिर्फ नहा के पगड़ी टाई अप कर रहे हैं। मैंने सारे काम करके खुद भी नहा ली, ये पगड़ी बन रही है मेरी, तो इसको नहा के ही निकलना कहते हैं। पजामे में हो, टी शर्ट में हो, दाढ़ी नहीं बंदी, पगड़ी प्रॉपर नहीं बंदी अभी, और क्या होता है? प्रॉपर बंद गई। मैंने क्या क्या कर लिया, क्या 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 कर लिया, इसीलिए कहते हैं इस देश को एक नारी चलाएगी, नारी चलाएगी, नारी चलाएगी। अब हम पीते हैं दोस्तों काफी। इसके सारे काम करे जैस्मिन ने, जो काम वाली बाई आई हुई है, ये बड़ी तेज फ्रॉड है ये। माँ की कसम खा रही हूँ अभी तो आई नहीं, क्योंकि जैस्मिन का टाइम ही 1:30 बजे का, और हमारे घर में कभी, मतलब हमारे घर में सिर्फ वो झाड़ू पोछे के लिए है, उससे कोई बर्तन बेडशीट्स वगैरह खाना वगैरह ऐसा वो कुछ नहीं बनाती। आपने वीडियो में देखा होगा, उनकी झूठ तो उतना बोलो, किसी का नाम लेके तुम इतना झूठ बोल रहे हो, जो बंदा अभी यहाँ पे है भी नहीं। दिखा दो जैस्मिन, ले जाओ मेरा फोन, जैस्मिन का जा भी दिखा दो घर पे, ये कभी अप्रिशिएट नहीं करेगा, और अब मैं होना भी नहीं चाहती। दोस्तों आप लोग मुझे प्यार करते मेरे लिए वही काफी है, जो बराबरी नहीं कर सकते वो आपको पता है क्या करते हैं। धन्यवाद, पीते हैं काफी। और एक और बात यार, ये आईफोन ना सच्ची में मेरे लिए जान की आफत बन गया है, मतलब यार मैं क्या करूं। अंकित कहते हैं शूट कर शूट कर शूट कर, अब सीरत को लेने जाती हूँ तो वो गलियों में से रास्ता जाता है, मार्केट जाती हूँ तो ऑब्वियसली वो भरी भराई सी होती है, मैं ऐसे करके एंगल बनाती हूँ वीडियो शूट करने का, तब तक मेरे मन में धड़ 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 यही हो रहा होता है कोई मेरा एंगल बना के मेरे से फोन खींच के ले जाए। मेरे तो लग जाएगी मम्मी, मतलब मम्मी को लग जाएगी 1.5 लाख की चपत, उनको लगे मुझे लगे बात तो बराबर है, बट कैसे बनाओ इससे। मैं ऐसे करती हूँ इतने में डर लगता है कोई आके छीन ना ले, कोई ये ना कर ले। सही था मेरा एंड्रॉइड, क्लैरिटी तो नहीं थी दोस्तों, कॉन्फिडेंट तो थी मैं, कॉन्फिडेंट हाँ वो तो थी मैं, क्या करूँ अब। कभी इसके पुर्जे नहीं मिलते, कभी कुछ नहीं मिलता, पुर्जे मिलते हैं तो जिगरा नहीं आता इसको इस्तेमाल करने का, क्या करूँ कहाँ जाऊँ आप बताओ। तो भाई सीरत आ गई स्कूल से, हाय करो सबको। हाय हाय,
कैसा लगा था स्कूल में? गौशाला जाना है क्यों? अभी घर चलो बेटा, अभी तो स्कूल से आयो ना, थक गया होगा ना। सबको बताओ स्कूल में क्या किया था? रोया था? तो बच्चा हाय करो सबको, बोलो कल मैं सो गई थी, उसके लिए आज कर दो बाय दादी। ओके ओहो, स्कूल से आते गो गप्पा पाती। हेलो मम्मा की तरफ से। स्कूल से आती गो गप्पा पाती, ऐसे कैसे बाबा? ये लो ये खाओ। ओहो ओहो, चटोरो ये देख, ये देखिए खाओ। छीटू जी खाना कैसे खा रहे हो? ओले बाबा ओले बाबा, कैसा है कैसा है बट्टू? ये देख पानी। तो भाई ये सीरत के चल रहे हैं होममेड गोलगप्पे। छीटू मजा आ रहा है बहुत। ओहो ऐसे खाते हैं ऐसे, और ओहो ऐसे। अब वाह मेरे शेर, हार करना हो गया। हेलो शेर, जूने कम 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 कम, ये वैसे ऑफिस का काम करने का ट्राई कर रही हूँ, इतनी मुश्किल से हो पा रहा है क्योंकि नेट ही नहीं चल रहा। अब आए हैं भैया नेट ठीक करने, और कह रहे हैं आपके वाईफाई को सैनिटाइजर की जरूरत है। क्या करेगा वाईफाई सैनिटाइजर से? साफ करेगा। कोविड हो गया हमारे वाईफाई को, अब ठीक हो रही है। भैया कह रहे हैं वीडियो के मजे मत लो, अपना ऑफिस का काम कर लो। इन्होंने सैनिटाइजर लगा दिया है और बस अब कह रहे हैं ये चलेगा। हो गया हमारे चाय का टाइम। आज वैसे तो सीरत को हम इस टाइम पे दूध देते हैं, बट आज थोड़ा सा सीरत का पेट है ढीला, तो आज हम सीरत को दे रहे हैं खरबूजा, तरबूजा खरबूजा, है ना। तो अभी सीरत खा रही है अपना फ्रूट, इंजॉय कर रही है सीरत खा रही है इसको। पेट खराब होने का रीजन भी थोड़ा थोड़ा सा समझ में आ गया है। आप लोगों के घर में बनती है या नहीं बनती पता नहीं, हमारे घर में तो बनती है। तो बनी थी ये जिसको बोलते हैं कांजी, बहुत ही टेस्टी होती है पीने में, और बहुत ही टेस्टी होती है पीने में और डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छी है। बट शायद सीरत अभी बहुत छोटी है, और मैंने मम्मी से कह के थोड़ी सी मिर्च भी एक्स्ट्रा डलवाई थी क्योंकि मुझे बहुत पसंद है थोड़ी सी तेज मिर्ची वाला, और मम्मी को भी, तो शायद सीरत के लिए ठीक नहीं था। हमने उसको पिलाया नहीं, सिर्फ एक घूट दिया था, एक घूट में ही समझ में आ गया उसका पेट गड़गड़ हो गया, तो उसको हमने अवॉइड कर दिया। अभी दूध भी, क्योंकि लूज मोशन में दूध भी देना अवॉइड करते हैं, इसीलिए सीरत खा रही है फ्रूट। और मैं और मम्मी पियेंगे चा, पहले मम्मी पियेंगी कांजी, उसके बाद मम्मी पियेंगी चा। सीरत क्या पियेंगे? चाय। इधर देखो शब, आपको बहुत मिस कर रहे थे, आप कहाँ करे कहाँ चले जाते हो? बोलो सबको, बोल दो बिजी, नहीं जुकाम है मुझे, बोलो सबको बिजी, इधर देख के बोलो ना बाबा, बोलो बिजी हूँ। हाँ बोलो पढ़ना है। हाँ ये हमारी चाय, इधर हल्का सा एक स्पून घी डाल दिया देसी घी, सीरत को खाने हैं मखाने। डॉक्टर मखाने आपको बहुत पसंद है, ओके तो सीरत के लिए हो रहे हैं मखाने रोस्ट चाय के साथ। तो बस जॉब खत्म हो गई है, जॉब खत्म होते ही आ गई हूँ सबसे पहले किचन में, क्योंकि डिनर का काम करना है, फिर सीरत को सुलाना भी है। और जॉब खत्म होती सबसे पहले जो मैंने काम किया वो है मैंने हेयर वॉश किया है। मुझे पता है रात को नहीं करने चाहिए, बट मैंने इसलिए कर लिया क्योंकि वैसे तो लाइफ पहले ठीक थी, पर जब से सीरत स्कूल जा रही है तो लाइफ हो गई है भाग मिल्खा भाग, भाग मिल्खा भाग। तो सुबह सुबह ऊपर से भाग मिल्खा भाग भी ना होती अगर जॉब रात की होती, वो कोइंसिडेंटली जॉब भी मॉर्निंग की आ गई है 1 बजे की, 12 बजे उसको पिक करने जाना होता है, तो 12 बजे तक फ्री होना पड़ता है, 9 बजे छोड़ के आओ 12 फ्री हो जाओ। तो फिर उस वजह से सुबह की लाइफ हो गई भाग मिलकर भाग मिलकर भाग, तो नाना धोना यही करके फटाफट फ्री हो पाती हूँ। तो मैंने हेयर वॉश अभी कर लिया क्योंकि कल कहीं जाना है, कहाँ जाना है वो आपको कल जाकर ही दिखाऊंगी, किसी बर्थडे पार्टी में जाना है बच्चे की बता दिया, और कह रही हूँ कल जाकर दिखाऊंगी। यही होता है एक अंडा ब्लॉगर, जैसे शक्ल गोल गोल सफ़ेद अंडा है ना,
ऐसे दिमाग में मेरा अंडा हो गया है, बताने के बाद बोलती हूँ आपको कल दिखाऊंगी। तो बस अब किचन में आ गए हैं, बाल धो के ड्राई कर लिए हैं ताकि ठंड ना लगे क्योंकि कोल्ड ऑलरेडी है, और बाल धुलने के बाद इतने देखो सॉफ्ट स्मूथ हो जाते हैं, वॉशिंग पाउडर निरमा निरमा। तो बस अब सुबह बनाए थे छोले, बट छोले किसी ने खाए नहीं क्योंकि मम्मी ने भी चाप की सब्जी खा ली, मैंने लंच किया नहीं था, सीरत टिफिन में बचा के लाई थी वही खा लिया था मैंने भी, तो छोले एज इट इज़ रखे हुए हैं, तो बस उनके साथ बना देती हूँ वाइट पुलाव, तो छोले चावल रात को हो जाएगा। तो बन गया है डिनर, 10:30 का टाइम है, सीरत को करा देती हूँ डिनर, उसके बाद करेंगे मैं और मम्मी क्योंकि ये थोड़ा सा गिराती विराती ज़्यादा है तो संभालने के लिए फिर डिस्टर्ब होता है खाना खाने में, गर्म है होटे होटे होटे। तो बस छोले चावल रेडी हैं, सीरत को खिलाती हूँ, 10:30 हो गए, उसके बाद आधे घंटे की वॉक करूँगी नीचे जाके, इसको भी ले जाऊँगी साथ में, ये भी थोड़ा थक जाएगी और फिर ईजिली सो जाएगी। तो ये रही सीरत की प्लेट, छोले चावल और सैलड, है ना शिया? सीरत की बेस्ट क्वालिटी है ये, मतलब मैंने बहुत ही कम बच्चों में देखी है कि इसको वाटरी चीज़ें बहुत पसंद है, जैसे कि वाटरमेलन हो गया, ये खीरा हो गया, इसको इतना पसंद है ना कि इसको एक एक दो दो खीरे दे दो, ऑरेंज हो गए, मतलब टचवुड नज़र ना लगे बट बहुत अच्छी क्वालिटीज़ है, बच्चे को ये सब खाना चाहिए, तो ये यूजुअली खाती है, ये सब इसको बहुत पसंद है ना शिया? हाँ। आपको ऑरेंज कैसा लगता है? ओहो अब देखो इसने सब खाना वाना छोड़ दिया, सिर्फ सैलड पर लगी हुई है, ये देखो सीरत थोड़े से राइस फिर सैलेड की बाइट, ऐसे खाना है ओके? क्या करे यार बेचारी पढ़ रही थी अभी, बताओ ये बाद में खाना है? नहीं बेटा पहले राइस प्लीज। मेरा क्यूट सा बच्चा। तो बस अब खाना वाना खा लिया, मैं और सीरत जा रहे थे नीचे वॉक करने, मम्मी ने बोला मैं भी चलती हूँ, मैंने कहा ठीक है, 1 से भले 2, 2 से भले 3 बजाओ बीन बस। तो बस अब हम जा रहे हैं, बोल दो इश इधर आओ, इधर आओ, वो छोड़ो नीचे घूमी करने चल रहे हैं ना, इधर आओ, सबको बोल दो वीडियो को बोलो लाइक कर दो, ये टॉयज नहीं, मैंने अभी पूरा रूम साफ किया है अपनी, पहले बोलो लाइक, ऐसे ऐसे करके लाइक ना। प्लीज करा देना फिर वीडियो को, कोई लाइक नहीं करता, प्लीज करा दे यार, मेरे को डर लगता है। अच्छा चल सुन सुन ना मेरा बच्चा सुन, बोल चल नीचे चले। हाँ। बोल दो लाइक कर दो, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, बाय, आई लव यू, ओले बाबा, गुड नाइट भी कर दो, गुड नाइट। तो 12:30 बज गए हैं रात के और सीरत को मैंने सुला दिया है, अब देखो एकदम से उठ भी गई है, मतलब कच्ची पक्की नींद में, सो जाओ तो बस ये सो गई है और मैं पी लेती हूँ तब तक एक ग्रीन टी खाने को डाइजेस्ट करने के लिए, कुछ भी नहीं होता है ग्रीन टी में, ये सिर्फ दिखावा है दोस्तों, वो ग्रीन टी पी रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता, इतनी कड़वी इतनी बेकार होती है क्या बताऊँ। और जिस कप में पी रही हूँ उस कप को आप देख सकते हैं, मेरी और अंकित की फ़ोटो है, ये अंकित है, ये मैं हूँ, ये हमारी तब की फ़ोटो है जब हम निब्बा निब्बी होते थे। और इतनी फ़नी चीज़ हुई ना, मैं ब्लॉग एडिट करने के लिए लगा रही थी लाइन में, तो व्लॉग में एक लाइन है, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, होप करते हैं आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। ये वाली एकदम से हल्की सी आईज खोलती है, सोते सोते कहती है बाय, मतलब छो जा, इसको सुला के दोबारा बात करती हूँ। इनकी शक्ल नहीं दिखा सकती अभी, इतनी देख लो बस चश्मे तक की, और ये देखो इनके हाथ में क्या, रोटी सब्जी इन्होंने सब प्रॉपर खाई है, छोले चावल रोटी सब, लेकिन ये रात को मोमोज भी खा रहे हैं, तो कोई इन्हें भी समझाओ, जो आज की वीडियो में लिख रहे थे ना लोग, वो इन्हें भी थोड़ा ज्ञान दें कि ये बड़े हो गए हैं, सेहत का ध्यान रखें थोड़ा। एक चीज मैं बता देता हूँ भैया, मोमोज जो भी है ना सब खाओ, दबा के खाओ, खाओ तो फ्राइड खाओ लेकिन शीम मत खाओ, रहने दो। और जो आज मोमोज जंक है वो जंक है, जो आज की वीडियो में आप लोग बोल रहे हो ना कि जंक है मोमो नुकसान करते हैं, हमेशा मोमो जो भी नुकसान करते हैं वो स्टीम करते हैं, फ्राइड कभी नहीं करेंगे, एकदम बेकार बात है, एकदम बेकार है, स्टीम भी मैदा है, फ्राइड तो और बेकार है, क्योंकि एक तो मैदा हो गया, ऊपर से तेल हो गया, ऊपर से मोमो वाले थोड़े ना एक तुम्हारा फ्राई करके फिर तुम्हारा प्योर तेल यूज करेंगे, 3-4 दिन सेम तेल यूज होता है। ये वाला जो मोमो है ना, ये अपनी दुकान के बने हुए हैं, अपने रेस्टोरेंट के हैं, मेरे को पता है तेल कौन सा यूज हुआ है कौन सा नहीं, तो मैदा तो है, मेरे को मत बताओ, मैदा तो फ्राई हो रहा है ना, मैदा फ्राई हो रहा है, मैदा फ्राई होने के बाद वो मैदे की जो क्वांटिटी होती है, मतलब जो फूल बन जाता है, वो पचने लगता है, शेम के अंदर वो अलग होता है,
हरे रामा हरे रामा सो जा कृष्णा कृष्णा सो जा सो जा गलती हो गई तेरे को उठा गया मेरे को छेड़ोगे मैं उठेगी तो फिर ऐसा ही होएगा सो जा तो बस अब हम सोने जा रहे हैं रात के बज गए हैं 3 बजने वाले हैं 3 बस अब यही है कि हमारा हार्ड वर्क हमें पे ऑफ करे क्योंकि हम दोनों ही 3:30 सो रहे हैं फिर 8 बजे उठ जाते हैं 8-9 उठ जाते हैं 5-5 घंटे की नींद लेके तो बस आप लोग इस वीडियो को प्यार दीजिएगा हमारी बहुत देर तक बहस चल रही है इस मोमोज को लेके मैंने अंकित की बजा दी है बैंड और इन्होंने कह दिया है आज के बाद मोमोज की तरफ मुंह हिलाकर भी नहीं देखूंगा खाना तो बहुत दूर है तो बस ऐसे ही मैंने जीत ली है जंग ऐसे ही आप भी अपनी जिंदगी में सारी जंगें जीते लेकिन उससे पहले इस चैनल पे आए यहाँ पे वीडियो देखें लाइक करें शेयर करें कमेंट करें सब्सक्राइब करें अपना ढक्कन खुद बंद करें मैं कोई नहीं होती हूँ आपका ढक्कन बंद करने वाली तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं मेरा पागलपन बढ़ता जा रहा है मुझे आ रही नींद बाय दोस्तों